अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने एमबीबीएस कोर्स के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इन नतीजों में दिल्ली के भाविक बंसल ने टॉप किया है। भाविक बंसल ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूरे 100% हासिल किए, जबकि जीके में उन्हें 99% अंक मिले। TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान भाविक बंसल ने कहा कि आज वो खुश हैं कि उन्हें उनका ड्रीम कॉलेज मिल गया है। बेटे की कामयाबी पर पूरा परिवार खुश है। एम्स की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और दिल्ली के विश्वास नगर के रहने वाले भाविक बंसल ने उसको टॉप किया है और हमारे साथ खुद भाविक हैं। भाविक, हेलो, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय homebycity.com. homebycity.com प्रोवाइड योर होस्टल पीजी एंड फ्लैट ऑन योर कंफर्ट जोन। So don't waste too much time to search the best hostel in PG for you. Come to the homebycity website and select your hostel in PG right now. And do not forget to put our referral code and get the 50% off. Referral code and the website official link are in the description. Check out now. Top करके कैसा लग रहा है? बढ़िया, मतलब एक तो एम्स में हमें पता ही नहीं होता कि कितने सवाल हमने करे हैं, क्या आंसर की है, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था इस बार। जैसे नीट में इतना नहीं था, नीट में हमें सब पता था कि इसके कितने आ रहे हैं, लेकिन एम्स में तो बिल्कुल सरप्राइजिंग। जब रिजल्ट आया तो पहली फीलिंग क्या मन में आई? पहले तो रिजल्ट आने में 1.5 घंटा लग गया, हम सुबह से वेट कर रहे हैं, बड़ी लेट रिजल्ट आया और उसके बाद एकदम से सरप्राइज। और मेरा तो खुला भी नहीं, मतलब मैं जब देखने जा रहा था खुला ही नहीं, मेरे टीचर्स ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो पहला रिएक्शन क्या था? मतलब बहुत यूफोरिक सी मोमेंट थी, बिलीव नहीं हो रहा था शुरुआत में, तो बस। और क्या एक्सपेक्टेड था, क्या सोचा था, कैसा रिजल्ट रहेगा? बस मैंने तो ये सोचा था कि टॉप 50 आ जाए ताकि एम्स दिल्ली मिल जाए, तो 1 इज ओके, मतलब थोड़ा अपग्रेड हो गया, लेकिन सिर्फ ओके या मोर देन ओके? हाँ, मोर देन ओके ही, मतलब। लेकिन मैं मेन चीज इससे खुश हूँ कि मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया। तो कैसे तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, बाकी बच्चों को क्या बताना चाहोगे? बस एम्स के लिए तो जो मैंने पेरिफेरल पढ़ाई भी करी वो भी काम आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीट में ज़्यादा, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा वो रोल रहता है, लेकिन एम्स में मुझे ऐसा लगा कि मेरी फिजिक्स थोड़ी जो ज़्यादा स्ट्रांग थी वो काफ़ी काम आई, जो कम टाइम में क्वेश्चन करने की। प्लस ऑर्गेनिक मैंने बहुत मेहनत करी थी ऑर्गेनिक में, वो भी ऐसा लगा मुझे काम आई। एम्स में रैंक 1, नीट में रैंक 2 और बोर्ड की परीक्षा में 93% मार्क्स, मैं सही बोल रहा हूँ? तो इतना कुछ कर लेने के बाद तो लगता होगा कि अब बस, अब तो जाके कॉलेज में मस्ती करनी है। नहीं, वैसे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेडिसिन तो इससे 2 गुना 10 गुना ज्यादा ही मुश्किल होगी, तो उसलिए तो तैयारी रखनी है। गेम्स का मुझे पता लगा आप गेम्स बहुत खेलते हैं। हाँ, मतलब मैं थोड़ा पीसी पे गेमिंग करता था, थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस देखता था और ये सब, मतलब डी स्ट्रेस करने के लिए। और बाकी पढ़ाई तो 2 साल से कर ही रहे हैं। गेम्स का टॉपर यूट्यूब पर क्या देखता था? साइंस रिलेटेड वीडियोस भी देखता था, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखता था। प्रेरणा किससे मिलती थी घर में? कौन, जब कभी होता है कि हम थोड़ा बुरा फील कर रहे होते हैं, तो कौन मजबूती देता था, कौन दीवार की तरह पीछे खड़ा होता था तुम्हारे? मतलब सारे पेरेंट्स का ये, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे को बहुत बड़ी एडवांटेज मिली कि मैं पूरे टाइम 2 साल पेरेंट्स के साथ रहा, जबकि कोटा में कुछ बच्चे ऐसा नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है उसका बहुत बड़ा रोल रहा हो। अब मैं ऐसे पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कहाँ पे हुआ ये, पर कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रही। ओके, मम्मी है बगल में बैठी हुई है, जरा बात कर लेते हैं। माँ का बड़ा योगदान होता है बच्चे की सफलता में, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? मुझे तो बस मैं बता नहीं सकती क्या लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये एम्स में, चाहे नीट में हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि सेकंड रैंक आएगा, उसमें 6-7-8 रैंक आने की उम्मीद थी, लेकिन एम्स में इसकी मुझे फर्स्ट आने की उम्मीद थी। अच्छा, भावेक ने घर पर ही रह के पूरी तैयारी करी, तो भावेक का आप कैसे ध्यान रखती थी उसके खाने पीने का, उसको कोई परेशानी ना हो? वैसे तो जनरली जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैंने इसका कोई ज्यादा ख्याल नहीं रखा, जैसा पूरी फैमिली का रखती थी वैसे इसका रखती थी। भावेक की कौन सी अच्छी बात आपको लगती है, मतलब कौन सी, राजा बेटा था आपकी सारी बातें मान लेता कि शैतान भी है? नहीं, मेरे तो दोनों बेटे राजा ही हैं। दोनों ही मेरी बातें मानते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए, भावेक के पिता बैठे, उनसे बात कर लेते जाए। अंकल, कैसा लग रहा है बच्चे ने टॉप किया है एम्स की परीक्षा? ऐसा लग रहा है कि आज हम भाविक के पिता के रूप में है ना, कि इसकी पहचान मेरे से नहीं है, मेरी पहचान इनसे हो रही है। अच्छा, तो ये भाविक का परिवार है, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, और यही बच्चों की मेहनत है जो सालों साल घंटों पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब ऐसे नतीजे आते हैं तो परिवार, बच्चे, उनके जानने वाले चाहने वाले सबको बहुत खुशी होती है। और हम भाविक को शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही उन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने इस प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, साथ ही जिनको निराशा लगी है उनसे हम इतना ही कहेंगे कि हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी।